पिछले 2-3 दिनों से मेरे वीडियो के कमेंट में ये वाला सवाल बहुत ही ट्रेंडिंग पर रहा कि कस्टमर को सामान देते हुए व्लॉग बनाएं। अगर आप सबकी इतनी डिमांड है तो मैंने सोचा क्यों ना कस्टमर को सामान देते हुए भी व्लॉग बनाया जाए। आज मेरी दुकान पर एक अंकल आते हैं जो कि एक बहुत ही गजब का कारनामा करते हैं। दरअसल दोस्तों इनके पास 30 रुपए थे और इन्हें 3 जनों के लिए खाने के लिए कुछ खरीदना था। ये 30 रुपए का नमकीन चिवड़ा यानी कि फरसान खरीदने का सोचते, लेकिन ये अंकल 30 रुपए का चिवड़ा एक जगह पर नहीं बल्कि 10-10 रुपए का 3 जगह पर चिवड़ा लेते हैं, जिससे कि तीनों को भी एक जैसा खाना मिले। वह अंकल क्या सोच है आपकी? साथ ही साथ ये अंकल कुछ मिठाइयाँ और ये सेंगदाने की कुछ बर्फियां भी खरीद लेते हैं और फिर सारी चीजें खरीदने के बाद ये अंकल अपने घर चले जाते हैं और फिर मैं भी अपने दुकान के कुछ और कामों में लग जाता हूँ। लेकिन तभी बहुत सारे कस्टमर दूध की थैलियां ना होने के कारण वापस चले जाते हैं। की थैलियों के साथ साथ मेरी दुकान में और भी छोटी मोटी चीजें खत्म हो चुकी थी, जैसे की पेप्सी और पार्ले जी बिस्किट और बहुत सारी चीजें। गर्मी में दोपहर के 3 बज चुके थे और बाहर धूप भी बहुत ही तेज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता हूँ शहर की तरफ।